यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। यूं तो समय समय पर सरकारी स्कूल की लापरवाही की खबरें मिलती ही रहती है, लेकिन क्या कोई स्कूल इतना भी संवेदनहीन हो सकता है कि बच्चे की हड्डी टूट जाए और स्कूल टोल फ्री नंबर 108 पर कॉल भी ना कर पाए। जी हाँ, मामला पाउंटा साहिब के रामपुर भारापुर स्कूल का है, जहां पर 8वीं कक्षा का छात्र स्कूल में खेलते हुए गिर गया, उसकी बाजू टूट गई, लेकिन स्कूल के अध्यापकों ने उसे उसके घर छोड़ दिया। अध्यापकों ने 108 को कॉल करने तक की जहमत नहीं उठाई और ना ही उसे अस्पताल में पहुंचाना उचित समझा। इसके बाद जब स्कूल द्वारा उनके बच्चे को घर पर जाकर देखा गया तो बच्चे के चाचा घर पर पहुंचे और बच्चे की हालत उन्होंने देखी तो उसे सिविल अस्पताल पाउंटा साहिब लेकर गए, जहां पर पता चला कि बच्चे की एक बाजू की दो हड्डियाँ टूटी हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? बाजू में दुबिस के ना एक अभी स्कूल में रामपुर भारू सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 8th क्लास में, सर उसको टीचर ने मेरे को फ़ोन किया कि इनकी बाजू टूट गई है तो आप आ जाओ। मैं आया 1:30 बजे के करीब, तो मेरे से पहले निकल गया घर में छोड़। एक बच्चा जिसका नाम अमन 13 साल लाया गया और वो गिर गया था और उसके लेफ्ट फोरआर्म में दोनों हड्डी फ्रैक्चर हो गई है, तो उसके बाद इनिशियल ट्रीटमेंट देने के बाद उसको YS परमार मेडिकल कॉलेज नाहन रेफर कर दिया गया है 108 के द्वारा।